अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर, इन पे रखा गया है सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा, सप्लीमेंट्री वन सर। श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। माय पॉइंटेड क्वेश्चन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर इज व्हाट मेजर स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द मिनिस्ट्री फॉर रिवर्स इमिग्रेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ऑनरेबल मिनिस्टर, आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारी देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी है। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट है और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट है, और उसमें एकदम एक कतिपय अंश, कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में, 14-15 की तुलना में, 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है, और उनमें से महिलाओं में, SC महिला स्टूडेंट में 50% ग्रोथ हुई है चेयरमैन साहब, और ST में तो बढ़ोतरी 65% तक हुई है, 65% तक, और उसमें लड़कियों की, अध्यक्ष महोदय, 14-15 में मोदी जी आने के पहले जितना लड़की ST कम्युनिटी से पढ़ते हैं उनमें से 80% ग्रोथ हुई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की फॉलोआउट है। OBC में बढ़ोतरी हुई है, माइनॉरिटी में बढ़ोतरी हुई है, विशेष करके मुस्लिम माइनॉरिटी में लगभग महिलाओं में 45% बढ़ोतरी हुई है। यह प्रमाणित करती है इन दिनों में हमारी अच्छे नीतियों के कारण, प्रोत्साहन के कारण, स्टार्टअप दुनिया के कारण, उद्यमिता के कारण बच्चों की पढ़ने की रुचि बढ़ी है। मैं माननीय सदस्यों कहता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-20 एक युगांतकारी, एक फिलोसॉफिकल दस्तावेज है। उसके कारण देश एक नई ऊंचाई को जाएगा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में बड़ा कारगर साबित होगा। श्री भुवनेश्वर कालिटा, सेकंड सप्लीमेंट्री। थैंक यू सर। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनकरेजेस द मल्टीलिंग्विस्टिक सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स इन द कंट्री। व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द मिनिस्ट्री टू इंप्लीमेंट दिस पैराग्राफ ऑफ द पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ऑनरेबल मिनिस्टर सर, हम मानते हैं भारत की आत्मा अपनी भाषाओं में बसता है, और मोदी सरकार की यह फैसला है
एनईपी की ये परामर्श है, सभी मातृभाषा सभी स्थानीय भाषाओं के अंदर पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए आज स्कूली शिक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है सीबीएसई सर्कुलर निकाला है, भारत की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उस शेड्यूल लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बने, बहुत सारे आदिवासी समाज में बोलने वाले भाषाओं की प्राइमर बन रही है, बहुत सारे पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की AICTE के द्वारा पूरा 4 साल के कोर्स अनेक भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुके हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मेडिकल साइंस की एजुकेशन लॉ की एजुकेशन हिंदी भाषा में होना शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा मराठी भाषा में पढ़ाने की पुणे में व्यवस्था करके इसी साल विद्यार्थी भी समाज में आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषा को बढ़ाने के लिए काशी तमिल संगमम की पहला साल पिछले बार आयोजन किया गया उनके मार्गदर्शन से, इस बार दूसरी बार भी हुए चेयरमैन साहब। अभी प्रधानमंत्री जी की एक ऐतिहासिक बयान है, भारत की सभी भाषा वो तेलुगु हो तमिल हो मलयाली हो कन्नड़ हो पंजाबी हो गुजराती हो मराठी हो उड़िया हो बंगाली हो ओहमिया हो सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है, ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज, ये इस सरकार की एक सैद्धांतिक परिवर्तन है। ऑनरेबल मेंबर्स, आई एम ग्रेटली टच्ड बाय योर जेस्चर। आई डू नॉट रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल, I am custodian of an institution. I am accountable to it. Any affront to the institution, the position that I hold, I have to be protector of it. Your gesture of standing has really touched my heart. I would request you to kindly take your seats and we'll proceed with the proceedings of the House. Kindly resume your seats. Dr. Amar Patnaik, third supplementary. Thank you, Chairman, sir. Sir, the national education policy, as the Honorable Minister just said, promotes all the Indian languages, teaching in all the Indian languages. Considering that Odisha will require over 50,000 teachers in 15 languages, including English, to implement the three language formula as prescribed in the new education policy 2020, and this was mentioned by the education ministry in response to an OnStar question on 21st December 2022, what measures has the union government taken to enhance the training of the teachers under the NISHTA program? Honorable Minister. Chairman sir, education is in concurrent list, especially the school education primary responsibility is with respective state government, but in overarching mechanism, right, honorable member has rightly mentioned, in a post corona post covid process, Government of India has developed a digital module in the name of Nipun to capacitate or to upgrade the capacity of existing teachers. So NCERT and Ministry of Education is on this job. Diksha is a learning, teaching learning digital module for the school education. In that Diksha module, lot of new capacity building modules in many subjects are there. Any teacher of any state is free to avail that opportunity. I hope honorable member will advise his esteemed colleague in his respective state to guide and do some basic work without doing in the secondary work. Let them concentrate on the basic work of teaching learning methodology, because in his state, which is fortunately my own state, the dropout ratio is little bit alarming. Fourth supplementary, Irana Kadadi. Honorable member. Dhanyawad Mahoday. Sarkar ne Rashtriya Shiksha Niti ke madhyam se मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि कर्नाटक में CBSE विद्यालयों द्वारा कन्नड़ में शिक्षा देने हेतु क्या कार्य किया गया है
और केंद्र सरकार के अधीन कितने विद्यालयों में कन्नड़ भाषा में शिक्षा दी जा रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर, चेयरमैन साहब, मैं तो उसकी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन की एकदम स्पेसिफिक उत्तर अभी मेरे पास नहीं है कि कितने विद्यालय में दिया जाता है, लेकिन मैंने पहला सप्लीमेंट्री में, कलिता जी की सप्लीमेंट्री में यह कहा कि आज CBSE पहली बार भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज में पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की एक सर्कुलर दिया है, सब्जेक्ट टू द डिमांड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अगर विद्यार्थी चाहेगा कि मैं एक्स भाषा में पढ़ना चाहता हूँ, बाई शेड्यूल लैंग्वेज में, उस CBSE स्कूल में आज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम उनको पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। ऐसे ही कन्नड़ भाषा में भी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। श्री बीरेंद्र प्रसाद बसे। थैंक यू वेरी मच सर। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हु रिसेंटली सेड एवरी स्टेट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री इज ए नेशनल लैंग्वेज। आई एम इक्वली वेरी प्राउड व्हेन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर टुडे इन्फॉर्म द हाउस इन पुणे महाराष्ट्र वन इंजीनियरिंग कॉलेज रनिंग थ्रू द मराठी लैंग्वेज। एक्चुअली इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड इन असम देयर विल बी मेडिकल कॉलेजेस एंड लैंग्वेज ऑफ द मेडिकल कॉलेज विल बी असामिश ऑल्सो। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, is any roadmap is planning by the your ministry to follow up this decision? Honorable Minister. Chairman sir, medical education ministry of health ki tahat aati hai, lekin main aapko aapke madhyam se sadan ko suchit karna chahunga, pichle 3 dinon mein swayam pradhanmantri ji ne, jis pradhanmantri ji ki ek visheshta hai chairman sir, jo kehte hain wo karte hain, khud wo practice karte hain, uske main ek udahan dena chahunga। उन्होंने भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, विशेष करके हमारा मिनिस्ट्री ऑफ मेटी के द्वारा चलाने वाले भाषिणी टूल को यूज़ करते हुए, सर भाषिणी का अर्थ है कि हमारी जो ट्रांसलेशन की दुनिया है, आप अभी हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे, उसको हम इंटरप्रिटर के माध्यम से अभी उसको अपनी भाषा में सुनते हैं, लेकिन अभी और प्रायर इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत की नौजवानों ने बना दिया है, IITs ने बना दिया और मिनिस्ट्री ऑफ मेटी ने उसको मदद किया है। भाषिणी टूल को यूज़ करते प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 दिनों में एक काशी तमिल संगमम में उन्होंने तमिल भाषाभाषी बच्चों को, हिंदी में कहें वो बच्चे, पहला 5 मिनट को एकदम कुछ सेकेंड्स के अंतराल में उसको उन्होंने तमिल में समझा। कल ऐसे स्मार्ट इंडिया हैकाथन के तहत देश में विभिन्न बच्चों से बातचीत करते हुए एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स चेन्नई का गुवाहाटी IIT में बैठा था, प्रधानमंत्री जी के साथ भाषिणी टूल को यूज करते हुए उनसे संवाद हुए। जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने अगर आसाम में कहा है कि मातृभाषा में अहमिया भाषा में भी मेडिकल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, उसको भी ये सरकार करके देगी, ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आश्वस्त करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 182, डॉक्टर सोनल मानसिंह। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 182। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, डॉक्टर सोनल मानसिंह। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द ड्रॉपआउट रेट ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन स्कूल्स ऑफ रूरल इंडिया, and how effective have been those initiatives in achieving goals? Honorable Minister. Chairman sir, ये dropout के बारे में आदरणीय सदस्य ने प्रश्न पूछी है, सर उसको मैं दो हिस्से में उसकी उत्तर देना चाहूँगा, एक तो स्कूल एजुकेशन और एक हायर एजुकेशन। विशेष करके स्कूल एजुकेशन जो मूलतः राज्य सरकारों की दायित्व में है, ये थोड़ा चिंताजनक है कि कुछ जगह पे ड्रॉप आउट है, उसको स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की स्कीम, जो भारत सरकार की मेगा स्कीम है स्कूली एजुकेशन को मदद करने में, जिसमें लगभग हम 70,000 करोड़ तक भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाती है विभिन्न राज्यों को, उसमें 2-3 इंटरवेंशन में कहना चाहूँगा।
एक ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी चुनौती है, स्कूल में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट एक चुनौती है। इसलिए सारे विषय को स्पेशल इंटरवेंशन करने के लिए भारत सरकार राशि उपलब्ध कराती है। दूसरी सब ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम भारत सरकार की चलती है, जहां बच्चियों के लिए विशेष स्कूल शिक्षा की दिया जाए, ये भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री पोषण योजना पीएम पोषण योजना के तहत राज्यों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया की खाद्यान्न तथा आर्थिक अनुदान दिया जाता है पीएम पोषण चलाने के लिए। यह एक प्रमुख कारण है देश की ग्रामीण और गरीब इलाका में बच्चे स्कूल में आए, उसको आगे ले जाने के लिए ग्रामीण इलाका में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने। प्रधानमंत्री राइजिंग इंडिया स्कूल्स पीएम श्री स्कूल्स, इसकी भी एनविजन किया गया है। 14,500 स्कूल का भी देश में कम से कम सभी ब्लॉक में एक दो स्कूल हो जाए, कम से कम एक स्कूल हो जाए, ये उसकी कल्पना है। मूल उद्देश्य है बच्चियों की ड्रॉप आउट रेशियो घटे। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सोनल मानसिंह। वेदर द ड्रॉप आउट रेट ऑफ कंट्री स्कूल एंड एजुकेशन इज अलार्मिंगली हाई, इफ सो द स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द अबव सजेशन, स्पेशली सर taking into account Beti Bachao Beti Padhao, which has been going on for the past 10 years, and still if the dropout rate has not really come down as envisaged, what are the reasons and how do we address it? Honorable Minister. Chairman sir, maine pehle supplementary ke andar sare ka vinamrata se uttar dene ke liye koshish kiya hai, lekin iske bawajood bhi maine पहला क्वेश्चन में एक उत्तर दिया, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इन दिनों में पिछले 14-15 की तुलना में अगर आज हम 21-22 में उसकी कॉन्ट्रास्ट तुलना करें, लगभग 25 से लेकर 50% की ग्रोथ, 80% तक एसटी वुमेन में 80% तक ग्रोथ हुई है। ये एक लेकिन एंट्री होने के बाद उसको कंटिन्यू करके ड्रॉप आउट ना हो, यह एक चुनौती है। हम सभी को मिलकर इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलाता देव। थैंक यू चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं खासकर गर्ल चाइल्ड का जो स्कूल एजुकेशन में, ये महामारी के कारण ज़्यादा हो रहे हैं, और कितने ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं इसके कारण, इसके लिए क्या योजना बनाई गई है आंखों के देख ये सामने रख के कि कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, या ऐसा कोई व्यवस्था मैकेनिज्म किया जाए जो वो जो ड्रॉप आउट होते हैं रूरल एरिया में ये महामारी के चलते वो सब रोका जाए। ऑनरेबल मिनिस्टर। कुल चुनौती वही है कि बच्चियों को हाथ पकड़ के स्कूल तक ले आना पड़ेगा। मैं फिर एक उदाहरण देना चाहूँगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने एक खुद एक कार्यक्रम लेते थे, गर्मियों के दिनों में वो खुद जाते थे कोई एक ब्लॉक में बैठते थे 3 दिन, और उसमें गांव-गांव घूमते थे, बर्थ सर्टिफिकेट के तहत जो उस इलाका में बच्चियों की रजिस्ट्रेशन हुई है उन घरों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के नाते जाते थे। आज भी वो व्यवस्था वहाँ जारी है, जो गुजरात से सदस्य मित्र आते हैं उनकी सभी के अभ्यास है साला को निमंत्रण देने के लिए, वो जाते थे न्योता देने के लिए। समाज की सभी लोगों की दायित्व है बच्चियों को स्कूल तक ले आना, उनको हाथ पकड़ के एक 12वीं तक और हायर एजुकेशन तक ले जाना। बच्चियों की वैज्ञानिक प्रमाण होती है, जब बच्चों के लड़के और लड़की के बीच में पढ़ने की स्पर्धा होती है लड़कियां अनडाउटेडली अव्वल नंबर आते हैं, ये प्रमाणित हुआ है। लेकिन जो हमारी देश की सामाजिक परंपरा और व्यवस्था है उसमें समाज जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों की दायित्व है उसको आगे से नेतृत्व करना। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्री कनक मेडला रविंद्र कुमार। As per the Union Government and the National Education Policy, they wanted to promote all regional languages and particularly in primary education. As far as the Andhra Pradesh is concerned, the government of Andhra Pradesh has taken a decision to impose English medium
in a primary education is also, which is a mandatory. Due to the decision, dropouts are more in the state of Andhra Pradesh. Whether the union government has taken any steps to advise the state government to continue the regional language Telugu medium in the primary education. Honorable Minister. This is a very dynamic question, and it's a good question, also it's a pertinent question. Government of India, as I said in my previous answers, Prime Minister is very clear on certain issue. All regional languages, all mother tongue oriented languages are national language. So there is no disparity. The child should read and write in the mother tongue. There is no second opinion. The language he is first time listening or uttering the word in the language, he should continue with that language for writing. There is no second opinion. The primary level teaching should be in the mother tongue. But according to my information, I had been to Andhra. I have seen a very unique model in Andhra. In the test book of Andhra Pradesh has developed a QR code in all the pages of Andhra test book. A student through a smart device can read that in local Telugu language also. So education technologies are very dynamic. New things are coming up. We should not create political confusion on that. The primary level teaching should be in the mother tongue. There is a consensus. There is no second opinion on that. Fifth supplementary, Sri Rakesh Sinha. Sabhapati Mahoday, अवसर देने के लिए धन्यवाद. नई शिक्षा नीति ने देश में स्कूली शिक्षा में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ. मेरा एक प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है. टीचर्स ट्रेनिंग में अलग अलग राज्यों में जो ट्रेनिंग के प्रोसेस हैं और जो उसके कुरिकुलम है, उसके पाठ्यक्रम हैं, उसमें भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन उसकी भिन्नता इतनी अधिक है कि छात्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है. एनसीईआरटी क्या उसमें एक रूपता लाने की कोशिश करेगी? इसके साथ एक छोटा सा मैं चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि इस एक रूपता के साथ एक बहुलता लाने की आवश्यकता इसलिए है कि बोडोलैंड के बच्चे की शिक्षा और झारखंड के बच्चे की शिक्षा या किसी औद्योगिक क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा का मनोविज्ञान अलग अलग होता है. तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्ष को उस पाठ्यक्रम में जोड़ने की भी आवश्यकता है. ऑनरेबल मिनिस्टर, इट इज़ मोर ऑफ अ सजेशन. मैं वही कहने वाला था इसे, लेकिन जो अभी मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श से नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनी थी. नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ने अपना काम पूरा करके सिलेबस और टेक्स्ट बुक बनाने की काम शुरू हो गया है. अभी एनसीईआरटी सारे राज्यों सरकारों के एससीईआरटी को साथ लेते हुए नई सिलेबस और टेक्स्ट बुक की ओर बढ़ रहा है. एक दो साल लगेगा. ये सारे में जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है, यही सारा विषय अकोमोडेट किया जा रहा है और भी विषय को अकोमोडेट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 183, श्री नरेश बंसल. धन्यवाद सभापति जी. क्वेश्चन नंबर 183. ऑनरेबल मिनिस्टर, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल. मैं सभापति जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है. ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है. अभी दो कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है. वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. सेकेंड सप्लीमेंट्री, श्री नरेश बंसल. धन्यवाद सभापति जी. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्गों में, क्योंकि उत्तराखंड में जो घटनाएं होती हैं उसमें अधिकतर मलबा आने से और खाई में गाड़ियां गिरने से होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि राजमार्गों पर ऐसे कितने राजमार्ग हैं उत्तराखंड के जिनमें अभी भी क्रैश बैरियर नहीं है
या आंशिक रूप से हैं, तथा ऐसे कितने ब्लैक पॉइंट हैं जहां पहाड़ से मलबा आने से रोकने का काम पूरा हो चुका है अथवा कितने पर पूरा होना है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट जो आइडेंटिफाई हुए 49 है, परमानेंट रेक्टिफिकेशन जो है 42 नंबर है, और देश में भी 5,803 ब्लैक स्पॉट्स है और 3,972 हमको परमानेंट रेक्टिफिकेशन करने हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का प्रॉब्लम है, इसमें बाढ़ में और लैंडस्लाइड्स में बहुत घटनाएं होती है, और लगातार हिमालय का जो जियोलॉजी है वो इतना अड़चन का है कि कभी भी वो कोलैप्स हो जाता है। अभी हमने ये तय किया है कि इसमें जो काम हमने किया है, इसमें वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स में जो टेक्नोलॉजी है, जो नए रिसर्च हुए, इनोवेशन हुए हैं, उसके आधार पर कल ही हमने एक निर्णय किया है कि इसके बाद लैंडस्लाइड्स में, ब्लैक स्पॉट्स में, जहाँ ये इसका क्रैश बैरियर की बात है, इन सब बातों में विशेष रूप से चिंता करेंगे और इसके ऊपर करीब 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड रखेंगे। अगर इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। जो डिज़ाइन देंगे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, जैसे हमारे DPR में डिज़ाइन आता है, पर हमारा DPR वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना परफेक्ट चाहिए उतना नहीं है। इसमें विशेष रूप से स्वीडन, ऑस्ट्रिया या ऐसे स्विट्ज़रलैंड, इन देशों में इसी प्रकार की हिमालयन टेरिन जैसी परिस्थिति है और उन्होंने लैंडस्लाइड्स काफ़ी बड़े प्रमाण पर रोके हुए हैं। यहाँ की ये स्पेसिफिक जियोलॉजी को समझते हुए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में अभी तक 726.65 करोड़ रुपए का लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क को हमने मंजूर किया है। 20 लैंडस्लाइड जोन्स एंड 11 सिंकिंग जोन्स, ये जो है माइनर ब्रिज है ऑन 100 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन फ्रॉम रुद्रप्रयाग लामेरी विलेज टू हेलांग ऑन NH07 इन उत्तराखंड अंडर चार धाम परियोजना। तो ये भी हम विशेष रूप से उसकी चिंता कर रहे हैं, टेंडर्स भी रिसीव किए हैं। सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट में निश्चित रूप से यात्रा रूट में ये जो चार धाम है, यात्रा है, रूट है, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से हम इसकी चिंता कर रहे हैं और इसमें कनेक्टिविटी इंडो चाइना बॉर्डर तक भी हमको इसमें सुधार करना है, ये भी प्लानिंग किया गया है। फिर भी यहाँ की जियोलॉजी बहुत ही स्पेशल है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी ये प्रोजेक्ट जो तैयार करेंगे, DPR बनाएंगे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाकर और बेस्ट, कोई भी उसमें गलती ना हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री श्री अयोध्या रामी रेड्डी ए। Through you, I wanted to know from the Honorable Minister, is there a plan of action with regard to the development of data analytics and advanced technology to identify and safeguard accident-prone spots? Is there any road safety compensatory fund for the families of those affected by road accident? If so, the details thereof. Honorable Minister. Sir, regarding road accidents, government has already taken decision to immediately help the victims. Under the responsibility of district collector, immediately we are giving them immediate help to them. Sir, this is issue related with the insurance company also, and now insurance company has accepted whatever the initial amount which we are going to give to the victims, that will be compensated by the insurance company. Sir, regarding the road safety, it is really a very serious issue. It is related with two important components. One is the road engineering and other is automobile engineering. Regarding road engineering, there are lot of problems regarding detailed project report, implementation, designing. And now, unfortunately, it is very bad for the government and for me also as a in charge of the department that there is increase in 10% in death and 12% in road accident. Sir, every year we have loss of GDP of 3.14% and at the same time the share of accidents on NH is 36.2%, that is 61,000 deaths. Road safety is a behavior is actually we need to change the mindset of, because in the public mind there is no fear for the law and the respect for the law, that is the problem.
So where we need the cooperation from the all stakeholders, the educational institutions, NGOs, universities, colleges, social organizations, and we need to change the mindset of the people by and large. Sir, our target is to reduce the accident death by 50% before 2030. The real-time monitoring of the accident data, actually it is also a problematic thing. Earlier, there was a long lag of 3 years for publishing accident data. It has now come down to 1 year. Within this special cell, we aim to establish a monitoring system which will collect accident data and initiate immediate corrective measures within 15 days. And now we are planning to outsource all the system to the private people, and where we'll get the information within 15 days, and after that we will take the action as far as the rectification is concerned. Sir, this is a very serious issue and government is very serious about it. For supplementary, Sri Sasmit Patra. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. Honorable Minister, in his reply, has mentioned that overspeeding has led to the maximum deaths on the roads. If it was 66.77% in 2020, it has increased to 75.05% of all accidents in 2022, about a 10% increase. My specific question is, just like for taxis and other vehicles, there are speed governors that they do not move above the speed limit of 80. Would the Honorable Minister consider providing some form of speed governors in vehicles, of private vehicles as well, so that they do not cross the speed limits going forward? Because it's alarming that 75% of the deaths are happening or accidents are happening because of overspeeding. Honorable Minister. Sir, one of the important thing is the lane discipline is very important. Actually, I understand and actually I know that there are a lot of accidents because of overspeed. But when the speed is high, at the same time, the lane discipline is equally important. Anyone can come and just cross it and going into the mainstream, that is to be a big problem. So the 71% of accident because of overspeed. Now we are already making the road of international standards. Road are designed for 120 km per hour. And now particularly, if we can maintain the lane discipline, then there will be no problem. But still there are two opinions. Some of the people are telling to us, and also there are some decisions from the court, highest court, that you should control the speed. And when we give the limited speed, the police has making challan. And when the road is designed for 120 km, and there is a, because it is in a concurrent list, the state government, they make it 80 km, and people have to pay the fine. So there is a, really it's a problematic situation, where we take the opinion from the all state transport minister, because the subject is in the concurrent list, and after that, considering all the opinions and judgment of the court, then we will decide about it. Fifth supplementary, Dr. C.M. Ramesh. Sir, just now minister said rightly, this lane discipline. Now, lot of controlled access roads has come, lot of roads throughout the country. For lane discipline, there is any plan to awareness to the drivers, some vehicle has to go this much speed only in this line. Otherwise, mainly because of lane discipline only accidents has come, we have to promote this awareness to the drivers. Is there any plan? Honorable Minister. Already, Honorable Speaker, sir, already government has taken a lot of initiative regarding the education and training of the drivers. Lot of the private companies are also taking the initiative. The problem is that now on the road also, in Delhi-Mumbai Express Highway, we have specially all boards are there, signage board, by which they can understand which lane is now only for truck or heavy vehicle or for the light vehicle. Everything is there. But because of the nature of the people by and large, it is not a habit to the people that they are not obey the rules of the road, and that is to be a big problem. But giving education and at the time when they are taking license, now we are thinking on the line, there will be examination by using the information technology and digital platform on his home. He can give the answer of some questions, and by which we will educate him,
and by we then certify him how to get that license. We are trying, sir, taking a lot of initiative, but unfortunately we need cooperation from all of you because this is a social behavior and we need to change by and large, and without that we cannot achieve that goal. We all need to instill a culture of discipline, more on road. Question number 184, Sri K.R.N. Rajesh Kumar. Honorable Minister. Srimati Seema Dwivedi. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृत प्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिला है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कॉपरेटिव की जो समितियाँ हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों का पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजर कर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। फोर सप्लीमेंट्री, श्री सुशील कुमार मोदी। पति महोदय, अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर एक, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? Honorable Minister. अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है, लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है उसमें जितने लोग गुजरते हैं हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है उसकी पहचान उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का मैंने सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उसे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे, लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं लगातार जो भटक रहे थे और कुछ तो इस प्रकार के लोग थे उन लगता था उनका पैसा मिलेगा नहीं,
लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5-4 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे और पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्री दीपक प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या क्या पहल की गई है। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से ग्रामीण सहकारी बैंकों की बात अभी की है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब से सहकारिता मंत्रालय हमारे भारत सरकार में बना है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय अमित शाह जी के लिए पहले सहकारिता मंत्री के रूप में दी गई, बैंकों में बहुत सारे इस प्रकार के व्यवधान आते थे तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ जनता को किसानों को होती थी, लेकिन बहुत से टैक्स से संबंधित इशू होते थे उनका सरलीकरण करने का काम किया है, बहुत से टैक्स के इशू थे उनको ख़त्म करने का काम भी किया है। और जहाँ तक ग्रामीण सहकारी संघों का सवाल है क्या क्या, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सहकारी बैंक बोर्ड अनुमोदित नियमों के माध्यम से अब तकनीकी राइट ऑफ के साथ साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आवास ऋण की सीमा जो पहले थी उसे हमने 2.5 गुना बढ़ा करके उसको 35 लाख से 75 लाख तक करने का काम किया है। और साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकें जो वाणिज्य रियल इस्टेट रियासी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम हो सकेंगे और इसमें न केवल हम व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता मिलेगी बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ इसमें मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का काम भी किया है, जिससे प्रोडक्शन चरण के पहले 3 महीनों में ये सुविधा निःशुल्क इसमें ले सकेंगे। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सदस्य ऋण संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है। सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85% तक जोखिम कवर करने का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को अब भी सहकारी बैंकों को कॉलेट मुक्त ऋण देने का काम भी किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 188 श्री एस सेल्वागन बाथी। नंबर 188। ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री एस सेल्वागन बाथी। Thank you, Chairman Sir. I would like to ask the Honorable Minister, although fast track transactions are connected to the bank accounts, multiple deductions are occurred some of the travelers into some toll plazas. Is there any mechanism to control such a double deduction? Honorable Minister. Actually, Honorable Speaker, when we receive any complaint, we have a special cell. Immediately we are taking action and giving relief to the people. But now the software is well established. Probably the problem is very less, but somewhere if it is a problem, we have already resolved the grievances and we will find out the way out. Second supplementary, Sri S. Selvagan Bathi. Thank you, Chairman Sir. Whenever a vehicle crosses a toll plaza, immediately the amount will be deducted from the bank account and the message will be sent to the customer. But sometimes the messages will be received in the next day only. Is there any possibility to see that the messages reaches the travelers within 1 hour or half an hour time? Sir, Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the system is established by which NPCI refunds procedure is there and the money within 7 days they are refunding the money, and already the system is established, and if suppose after that if there are some problems, they can directly complain to NHI authority, sir, we will resolve the issue. Sometime there is a problem because of network delay. Somewhere the frequency is a problem. So that is to be a technical problem. We are trying our level best to resolve this issue. But anywhere any problem is there, by receiving the complaints with the appropriate authority, we resolve the issue. And if anywhere the problem is there, people can come to NHI and we will have a special section where we will take the decision. Third supplementary, Sri Thambi Durai. Chairman, sir, I want to know
through you, sir, Honorable Minister, regarding the fast track. Toll plazas, when they are using fast track, many places not properly working. Because vehicles are standing for a long time, they are putting, technically, whatever even the minister says, that tag, fast track is not properly functioning and a lot of crowds are. Whether the minister is aware of all these things, take necessary action to see that this can be rectified and the vehicles can be easily moved, that I want to know, sir. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, already the penetration of fast track in the country is 99%. Fast track issued more than 8 crores. Average daily collection through fast track is 187 crore. The number of fast track transactions in 2023 is 286 crore. And proportion of fast track transaction YoY to total transaction 97%. Sir, actually, because of the fast track, the 92% increase in toll revenue since fast track, it is an advantage of 7 to 8,000 crore per year. Now, earlier waiting time at toll plaza was 12 minutes. Now, with the fast track, waiting time coming to 47 seconds, 93% reduction. But because of connectivity problem, there are somewhere we are facing some technical problem. And now we are resolving that. But I am giving assurance to the honorable member that now we are moving towards the new technology. And that is to be more important. And that technology is of world standard. We have already completed the pilot project in Delhi-Mumbai highway and peripheral ring road of Delhi. The location-based pay as you use. If you are using only 10 kilometers, but because of distance in the toll, you have to pay the price for complete road. But now by this system, whatever the road which is used by the consumer, only that much amount they have to give. So location-based pay as used, road tolling mechanism. A pilot was carried by NHI in 2020, along with Delhi-Mumbai corridor. That is the satellite-based tolling ensures. No losses to NHI or concessionary. Now here is the advantage that presently the expenditure for collecting toll to the fast track is 12%. By this system, we will reduce this cost 2 to 3%. There is an advantage of 10,000 crore. And by using the system, there is an estimate that we have increased again toll by 5 to 6,000 crore. So 15 to 16,000 crore will be more revenue to NHI by the system. We are now moving towards that. And now we are planning to move in the direction that there will be a joint venture of the nationalized bank and the technology provider. And that joint venture will take the responsibility for implementation of this new system. We are in the process, and before March, we are very much keenly interested to start this system in the whole country, and which will be beneficial to the people. A 100 times, it will be useful for NHI and the government to increase the toll by 15,000 crore per year. Sri Sasmit Patra. Thank you, Honorable Chairman, for giving me this opportunity again. Thank you so much, sir. Sir, Honorable Minister is a very dynamic minister who believes in technology and taking up technology to the last mile. And I'm sure Honorable Minister is also aware that there are many technologies now that are coming up where you do not have to go through a fast tag. There are these monitors that are there on the national highways itself. And as you cross those monitors, automatically the tags that you have, it gets deducted. You do not have to go through a toll plaza at all. Going forward, would the Honorable Minister, because of the new highways that he's building, consider putting them on a pilot basis so that the vehicles don't have to stop at all at a toll plaza, and toll plazas would be history? Thank you, sir. Honorable Minister. Available best technology in the world, and considering your spirit which you are giving me as a suggestion, on the same way we are on the same line, and before March end we will give this type of good service to you and the people of our country. Question number 189, Sri Dhiraj Prasad Sahu, not present. Honorable Minister. Honorable Minister, honorable members, we follow rules in this house. Only those members who have been suspended, their questions are cancelled. But those members, by virtue of their absence for whatever reason,
have not come to be suspended. They were not part of disorder. Their questions are read. Okay. Honorable Minister. So, jawab patel par rakha. Supplementary, Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, sir. The question is basically the road accidents and road safety, and particularly in the national highways. I understand, and the Honorable Minister has announced a very ambitious plan to have underwater highway in Assam, in Brahmaputra. And already, concept paper has been drawn already, and the DPR is going to be drawn, and it has been given to an agency, whether this aspect of accident and safety will be the priority and premier condition in that. Honorable Minister. Honorable Speaker, sir, our automobile industry is the fastest growing industry in the world. When I taken charge as a minister, our number was 7. And the total size of the industry was 7.5 lakh crore. Now presently the size of the industry is 12.5 lakh crore. And this is number is now we just surpassed Japan and we are number is third. So first is China, second is USA and third is India. And our ambition of our government under the leadership of Prime Minister Modi ji that within 5 years we will be number one in the world. Sir, one side, the automobile number is increased. The industry is very important because this is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the state and central government. This is the industry which is giving 4 crore 50 lakh jobs. This is the industry which have maximum export. Now the problem is that at the same time when the automobile number is increased, population is increased, we need to increase the road length. And for that reason, we are using different type of modes, different type of technology. And some of the technology we are using ropeway, cable car, funicular railway, electric bus. Somewhere we are developing waterways. Somewhere we are using MPBS seaplane. Somewhere you are making some roads like under the water also. So the new technology which is available in the world, on the basis of that, we need to improve our transport system. And a project which is suggested by Honorable Member, it is under consideration and we will work on it, sir. Srimati Seema Dwivedi, last supplementary. Sabhapati Mahoday, main apne mani vidwan mantri ji ko dhanyavad dena chahungi ki aap ke nit navin acche prayason se durghatnaon mein kami aayi hai. और कई प्रांतों में हमारा उत्तर प्रदेश भी है जिसमें दुर्घटना में कमी आई है. महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि NHI में जो हमारी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें एक प्रमुख कारण होता है हमारा आवारा पशु, जैसे कि नीलगाय. नीलगाय एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएँ होती हैं. और मैं माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से ही सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या NHI पर जो नीलगाय जैसे जानवर के आने से दुर्घटना होने की बढ़ोतरी होती है, क्या उनको रोकने के बारे में सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी, ये मैं जानना चाहती हूँ. ऑनरेबल मिनिस्टर. सम्मान्य स्पीकर महोदय, ऐसा सम्मान्य सदस्य जो बता रही है वो प्रॉब्लम है. एक तरफ हम एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दूसरी ओर लोग जानवर लेकर रोड पर घुसते हैं. अभी मैं ग्वालियर से गया था तो दतिया तक पूरे रोड पर रात को जानवर छोड़ दिए थे. और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विशेष रूप से रोड के बाजू में वो पुराने जो भैंसों और गाय को लेकर तबेले जो खड़े हैं वो कभी भी उनको छोड़ के दे देते हैं और रात को स्पीड से गाड़ियाँ जाती है, अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं. तो राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोड के ऊपर जो कानून और सुरक्षा है उसको रखने की है. पर मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इको फ्रेंडली बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं ताकि ये ना आए. और दूसरी सबसे अच्छी बात आपके ही प्रदेश में, आदरणीय स्पीकर महोदय, आपको भी अनुरोध करूँगा कि आपके यहाँ राजस्थान में जो जंगल है तो हमने जंगल ऊपर है और अंदर से हमने एक टनल बनाई है ताकि ऊपर में प्राणी जा सकते हैं और नीचे से ट्रैफिक जाएगा.
हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच में पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सकते, पर ये करने के लिए खर्चा खूब लगेगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था सभी गृह मंत्री जी को कि भाई आप ये जो जानवर रात को छोड़ देते हैं, ये जो आदत है गांव में, ये कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाइए। तो इसमें से कुछ ओवर पेरिस इज अ सिटी ऑनरेबल मिनिस्टर दैट डज नॉट हैव फ्लाईओवर्स, इट हैज ओनली अंडरपासेस एंड द अंडरपासेस आर ऑल्सो वेरी वेरी लॉन्ग विद द लीव ऑफ द हाउस I seek to take items 1 to 10. Papers to be laid on the table. Dr. Bharti Parveen Pawar. Mr. Muralidharan. Sir, with your respected chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague, Srimati Bharati Praveen Pawar, I rise to lay the papers listed against her name at serial number 12 in today's revised list of business. Honorable members, it seems there is not adequate notice with respect to items 1 to 10. I'll take them at 2 o'clock. Thank you so much. House stands adjourned to meet at 2 p.m. today.